क्या उसके आने से पहले बारिश हो चुकी होगी? विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग? विल इट हैव, बड़े सारे बच्चों ने ना इट के साथ हैज लगा दिया होगा, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव ही होता है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो। विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग? विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स? क्या मेरे खाना खाने से पहले सुरेश दरवाजे पर दस्तक दे चुकेगा? विल सुरेश हैव रीच्ड एट द गेट बिफोर आई ईट फूड? बिफोर आई ईट फूड, मेरे खाना खाने से पहले, मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ बार बार, पर आप समझ जाना, मेरा एक्सप्लेनेशन की तरफ भी ध्यान हो जाता है बच्चों, तो इंटरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही आएगा। बारिश होने से पहले वह यहां क्यों नहीं आ चुकेगी? वाई विल शी नॉट हैव रीच्ड, वाई विल शी नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग? बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, मास्टर जी के आने से पहले यह किताब कौन नहीं पढ़ चुकेगा? हु विल नॉट हैव रेड दिस बुक बिफोर द टीचर कम्स? रात होने से पहले हम यह फिल्म क्यों नहीं देख चुकेंगे? वाई विल, या हम हैं तो वाई शेल वी नॉट हैव वॉच्ड, वाई शेल वी नॉट हैव वॉच्ड दिस फिल्म? मूवी भी लिख सकते हो आप, पिक्चर भी लिख सकते हो। रात होने से पहले, बिफोर इट गेट्स नाइट, या बिफोर नाइट भी लिख सकते हो सीधा। रात होने से पहले हम यह फिल्म क्यों नहीं देख चुके होंगे? वाई शेल वी नॉट हैव वॉच दिस फिल्म बिफोर नाइट? घर आने से पहले तुम अपना काम क्यों नहीं निपटा चुके होगे? वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड, वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर, घर जाने से पहले तुम अपना काम क्यों नहीं निपटा? वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर गोइंग होम? या ऐसा भी कह सकते हो, बिफोर यू गो होम। ऑफिस जाने से पहले वह मुझसे क्यों नहीं मिल चुकी होगी? वाई विल शी नॉट हैव मेट मी, वाई विल शी नॉट हैव मेट मी बिफोर गोइंग टू ऑफिस? अब आपको लग रहा होगा, मैम पहले तो आप कह रहे थे कि बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अब आप आईएनजी लगाते जा रहे हो। बिफोर के साथ जब मैं सब्जेक्ट लिख रही हूं ना, तो प्रेजेंट लिख रही हूं, जब सब्जेक्ट की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही तो बिफोर के साथ आईएनजी ही आता है। दोपहर बाद पिताजी किससे मिलने जा चुकेंगे? पिताजी किससे? हुम, टू हुम भी लिख सकते हो। विल द फादर हुम, विल द फादर हैव गोन टू मीट इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद, फिर भी इन द आफ्टरनून ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टरनून तो ऑलरेडी आफ्टर ही होता है ना।
वह यह किताब कब तक पढ़ चुकी होगी? When will she have read this book?